हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी ब्लॉग बाय क्रेजी। वेलकम बैक सम एंड अदर इंटरेस्टिंग वीडियो। और प्रोडक्ट्स से और आपको जो है टाइटल से पता चल जाएगा कि ये हम वीडियो किस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड बना रहे हैं। और आजकल इनके एक प्रोडक्ट की तो बे इंतहा, बल्कि एक नहीं बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आजकल जो एक बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है उसकी हम बात करेंगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया है इनके पेज पे, मैंने इससे पहले कोई भी प्रोडक्ट इनके पेज से नहीं लिया हुआ। तो आप सबने अब जल्दी जल्दी क्या करना है, आप लोगों ने करना है वीडियो को लाइक और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी टोटल 4 to 5 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, और वन बाय वन हम इनको ओपन भी करेंगे, बिकॉज ये मुझे काफ़ी टाइम की आई हुई हैं। लेकिन सीरियसली मैंने अप्लाई नहीं किया कुछ भी इसमें से, और ये आप देख लें ये भी फुली पैक है। साथ साथ आपको दिखाऊंगी इनकी पैकेजिंग हर चीज़, और उसके बाद हम इनके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे और इनके ब्रांड के बारे में। ओके, सो बेसिकली गाइस अब हम स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रोडक्ट्स के। ये वाला जो है ये है आईक्यू ऑर्गेनिक का 100% प्योर हेयर सीरम, ठीक है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है, इसके फ्रंट पे इनका जो है लोगो प्रिंट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके ऊपर इन्होंने अपना फेसबुक का और इसका ट्विटर का है, इंस्टा के जो भी हैं अपने सारे दिए हुए हैं अकाउंट्स, और एक्स्ट्रा ऊपर कुछ नहीं है डिटेल्स। और ये हमारी आ गई प्रोडक्ट, बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग, ग्लास बॉटल है, ड्रॉपर है इसके साथ। और ये इसका मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स का सुना हुआ है, अगर आप वैसे ही आईक्यू ऑर्गेनिक का निकालें, ठीक है, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ये सूटेबल है। ये नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स अप्लाई करेंगी और बॉयज़ नहीं कर सकते। हेयर फॉल जिनको बहुत ज़्यादा है और अक्सर पैचेस हम कह देते हैं, और इसमें टोटल अमाउंट है 30 ml हमें मिलेगा। ओके फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा नज़दीक से। नो हेयर फॉल और री हेयर ग्रोथ के लिए, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम है। इसके सारी एप्लीकेशन कैसे करनी है हर चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, आपके जो है हेयर के डिपेंड्स के अकॉर्डिंग है हर चीज़ कि आपकी लेंथ कितनी है, 4 to 5 ड्रॉप, 6 ड्रॉप उतने। और ये मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये है ऐसे ड्रॉपर फॉर्म में। और मैंने जितने ब्लॉगर्स के देखे थे, यूट्यूबर्स के देखे थे मैंने, उनका मैंने यही देखा था कि ये कुछ ड्रॉप्स आपने अपने किसी भी ऑयल में मिक्स करने हैं जो भी आपकी स्किन को सूटेबल है, जिसके आपके हेयर ज़्यादा आप में कम्फर्टेबल हैं, जो आपके घर में जो है कन्वीनियंट आपको मिल जाता है। और ये देखें इसकी एप्लीकेशन का है कि आपने इसके ड्रॉप्स जो हैं वो अपने स्कैल्प पे आपने जब करना है तो ऑयल के साथ मिक्स करके आपने अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करना है, और 2 to 3 आवर्स के लिए आपने उसको छोड़ना है। और इसके हर एक के मैंने इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं, अभी हम अप्लाई करेंगे तो फिर देखेंगे कि कैसे रिजल्ट मिलते हैं हमें। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगली प्रोडक्ट की। इसमें से एक फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने इसको ओपन किया था, क्योंकि मैंने टेप रिमूव करके सीरम को चेक करती हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि वो लीक तो नहीं हो रहा था, लेकिन इसके ऊपर बॉक्स से हल्का सा हो रहा था, लेकिन माइनर सा, लेकिन ये फिर भी बेहतर है, कोई एक्स्ट्रा लीकेज नहीं हुई हुई, टाइट थी बॉटल, लेकिन आई डोंट नो कि क्या हुआ और कैसे हुआ। अच्छा, ये मैंने कुछ मंगवाया है क्योंकि आजकल मैंने आपको फर्स्ट अपने एक दो प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था कि कुछ हमारे खाने और आजकल जो शेड्यूल चल रहा है एक्नी और स्कार्स का कुछ इशू बन जाता है, तो मैंने सोचा कि इनका जो है ये एक्नी जो है और स्कार वाला सीरम ये ट्राई किया जाए, और इसके जो है वो क्या है, बेनिफिट्स क्या है। इसके ऊपर इन्होंने जस्ट मेंशन किया हुआ है कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। इसके अंदर 15 ml हमें मिलेगा, ये भी मैं आप ड्रॉपर फॉर्म में है, इसकी मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ ओपन करके कि किस तरह का, ये थोड़ा सा टाइट है, मैं ठहरे इसको ओपन कर लूँ। ओके गाइस, ये मैं अब आपको दिखा देती हूँ, बॉटल थोड़ी सी टाइट थी, ये इसकी ये रनिंग कंसिस्टेंसी है, टू मच थिक नहीं है ये देखें। और ये एंटीबैक्टीरियल के कोई भी किसी तरह का बैक्टीरियल जो है ना किसी रिएक्शन आपके स्किन पे नहीं होगा, और ओवरऑल जो है मुझे ठीक लग रहा है, इसके मैं प्रॉपर यूज़ करूँगी। और इसकी स्मेल भी अच्छी है, बहुत हार्श स्मेल नहीं है, ठीक है। और अब फर्दर ज़ाहिर यूज़ करेंगे, अभी प्रोडक्ट न्यू है, फिर हम बताएंगे, क्योंकि अभी तो हम ये ज़रा प्री शूट कर रहे हैं, फिर आपके साथ रिव्यूज़ भी शेयर करेंगे, क्योंकि ब्लॉगर्स के तो मैंने आपको बताए हैं, और अब मैं फिर बाद में बताऊँगी कुछ टाइम के बाद कि मुझे इसके रिजल्ट्स कैसे लगे, फिर ही आपके साथ फुल वीडियो शेयर करूँगी। ओके, थर्ड पे जो जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, और उस प्रोडक्ट को आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि है ग्रीन क्ले मास्क। और ये ज़्यादा जो है इन हो रहा था, जो आजकल ग्रीन एक स्टिक आ रही है, बहुत जो है इंस्टा पे यूट्यूब पे बड़ी फेमस हुई हुई है आपके स्कार्स फिनिश करने के लिए, जो कि बिल्कुल फजूल है।
तो उसमें ये शेयर किया गया था कि ये जो IQ ऑर्गेनिक का ग्रीन क्ले ऑयल कंट्रोल फेस मास्क है फॉर ऑयली एंड एक्नी स्किन 100 ग्राम की जो है ये हमारे पास जार होगा। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये पिंक कलर का ऐसा इसका बोर्ड है, टी ट्री जो है स्किन और ओके गाइस सॉरी यहाँ पे जो है थोड़ा सा स्टॉप हो गया था कैमरा, तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ट्रीट करेगा हमारी ऑयली स्किन को, ओपन पोर्स को, एक्नी बम्स को और ब्लैक हेड वाइट हेड्स। इसमें टोटल ये बहुत ज़्यादा आजकल जो है सब इस पे अपनी वीडियोस बना रहे हैं, रिव्यूज़ शेयर कर रहे हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो उनको भी इन्होंने अपने जो है ये प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और वो अपने रिव्यूज़ शेयर कर रहे हैं। आप इनका पेज चेक करें और ये देखें, ये इतना जार है, ये जार की ये ऊपर से पिंक लुक में है। अभी इसको हम ओपन करते हैं। ये बहुत ही मज़े की पैकेजिंग मुझे इसकी लग रही है और इसको अप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह का है। इसको कर लेते हैं अब ओपन। और पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली है और सही से यूज़ हो जाएगी। ठहरें, इसका मैं ना लिड ओपन कर लूँ। और ये देखें, अंदर से हमारे पास इस तरह का ये ग्रीन मास्क है। ओके, ये मैं थोड़ा सा आपको अपने हैंड पे जो है अप्लाई करके दिखाती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली क्ले मास्क है तो ऑयली स्किन जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है हमारी स्किन में से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये इसका टेक्सचर है, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये ड्राई होगा फ़ौरन तो अच्छे से जो है आपकी स्किन को स्मूथ और प्रॉपर यूज से ज़ाहिर आपके ओपन पोर्स जो ब्लैक हेड्स वगैरह का इशू होता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ओके गाइज, ये आप जार देख सकते हैं कि ये इतनी क्वांटिटी है इसके अंदर, ठीक है। ये मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन जहाँ से लिड हम बंद करते हैं ये तकरीबन इतना है, यहाँ तक है, नीचे मतलब, ठीक है, और यहाँ तक है, ठीक हो गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फर्दर अगली प्रोडक्ट, क्योंकि एक मैंने चांस पे मंगवाई है यूज़ करने की, क्योंकि मैंने एक वक्त काफ़ी टाइम पहले निशु खान की स्पेशली देखी थी वीडियो, जिसमें उन्होंने पंसारी कोई आई थिंक पेज था उनका, ऑरेंज जो था वो पाउडर जो यूज़ करने के लिए फॉर स्किन बेनिफिट में, उनकी अगेन चेक करूँगी। और इस पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कोई एक्स्ट्रा पैकेजिंग नहीं थी, ये ऐसे ही था। और इसके ऊपर ये देखें, ये एक्स्ट्रा कोई लिड नहीं है, लेकिन नीचे प्लास्टिक का जार है, ऊपर टिन का जो है वो कवर है। और जस्ट उन्होंने जो है ना ऊपर ऑरेंज अपना पाउडर का लेवल किया हुआ है। स्मेल इसकी अच्छी है, बहुत ज़्यादा तेज नहीं है। ओके गाइस, लास्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट जो इस टाइम मेरे पास है, ये वाला इनका आउट ऑफ स्टॉक था, इस वजह से मेरा ऑर्डर काफ़ी लेट हो गया। ये रीस्टॉक हुआ था तो फिर मैंने कहा नहीं, जब ये रीस्टॉक होगा तो आप मुझे तभी भेजिएगा। और ये वाली भी जो है ये 15 ml जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है, हीट प्रोटेक्टेड सीरम और मतलब सनस्क्रीन जिसे हम कहते हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बड़ी ना मज़े की बॉटल है, मैंने ओपन करके देखी थी और कितनी खूबसूरत जो है बड़ी स्लीक सी ड्रॉपर फॉर्म में है। हालांकि सनब्लॉक कभी हमने इस तरह का देखा नहीं ड्रॉपर फॉर्म में मैंने तो स्पेशली। और मैंने कहा चलें जब पार्सल मंगवा रहे हैं तो एक दो चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा मंगवा ली जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और अच्छा ये जो है ये आपको, क्योंकि अब समर्स के अलावा विंटर्स में भी जो है हमें सन रेज से प्रोटेक्ट करने के लिए हम सनब्लॉक मुख्तलिफ तरह के अपनी स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वाला भी हम यूज़ करेंगे और देखेंगे कि इससे, क्योंकि कुछ सनब्लॉक्स जो होते हैं वो अप्लाई करने के बाद काफ़ी जो है ना स्वेटिंग फेस पे आपको फील होती है कि बहुत कोई हैवी और केकी चीज़ लगाई हुई है, लेकिन ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। पर मैंने क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ले ली है गाइज, इसको आप, ये मैंने पूरे फेस की क्वांटिटी आपको इतने से एरिया में चेक करवा दी है, माशाल्लाह मेरे भी कोई हाल नहीं है। चलिए इसको कहते हैं साफ, लेकिन फिलहाल ये टेक्सचर बहुत लाइट वेट है, जल्दी एब्जॉर्ब होने वाला है। और ये बड़ी स्लीक सी छोटी सी बॉटल है और बॉटल ग्लास में है, प्लास्टिक नहीं है, ठीक है, लेकिन ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत वो मतलब बारीक थिन वाला नहीं है मिरर, अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है। और मुझे तो पैकेजिंग ओवरऑल बहुत अच्छी लगी। अब हम करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ और मैं इंशाल्लाह आपके साथ आफ्टर 1 to 2 weeks के बाद अपना रिव्यू शेयर करूँगी और फिर आपके साथ ये शेयर होगी पूरी वीडियो। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ स्पेशल अपनी, वैसे तो सारी प्रोडक्ट्स के लिए हूँ लेकिन एक हेयर सीरम और एक क्ले मास्क उसके लिए तो बहुत ज़्यादा। चलिए तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अब रिव्यू के साथ आपके साथ मिलेंगे जल्दी। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो जी, बैक अगेन, और अब हम आ गए हैं आपके साथ जो जो फील हुआ हमें इन प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यू का,
मतलब जो मुझे अपने स्किन के हिसाब से सूटेबल चीज़ें लगी वो है। और आप, मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर मैं बना रही हूँ तो मैं बिल्कुल बहुत परफेक्ट चीज़ कर रही हूँ, एटलीस्ट जो मुझे चीज़ें फील हुई हैं मैं उन वो आपके साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ अपने थॉट्स, ठीक है, ये कह सकते हैं। और आप बाकी, क्योंकि भरा पड़ा है यूट्यूब गाइस इन चीज़ों से, आप चेक कर लिया करो एक ही वीडियो पे मात्र, मैं ये नहीं कहूँगी मुझ पर फोकस रखो, चेक लाजमी किया करो। अच्छा, इसके ऊपर एप्लीकेशन का इन्होंने टोटल बताया हुआ है, ठीक है। और एनी हेयर ऑयल आपने लेना है 2-3 टेबलस्पून, ठीक है, या अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग। और उसमें आपने मिक्स करने हैं इसके ड्रॉप्स, ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मैंने अपने लेने के बाद, यूज़ करने के बाद भी बहुत सी वीडियोस दोबारा देखी, किसके क्या रिव्यूज़ हैं, कौन किस तरह ज़्यादा यूज़ कर रहा है, किसको कैसे बेनिफिट ज़्यादा मिल रहा है। मैंने कोकोनट ऑयल में भी यूज़ किया है, जो हम कह देते हैं, और सरसों के तेल में भी, मस्टर्ड ऑयल में भी मैंने इसको यूज़ किया है, और मैंने एक मिक्स ऑयल बना के रखा है आजकल, कोकोनट ऑयल में मैंने जो है मस्टर्ड सीड्स और कुलवंजी और ये मेथी दाना जो कहते हैं फॉर्मूलेशन अनियन के साथ, उसमें भी मैंने इसको यूज़ करके देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और ग्लास बॉटल है डार्क, ताकि हमारा सीरम जो है वो अच्छे से जो है वो सही रहे, सेव रहे। और अच्छा, इसमें मैं प्रॉपर इसको रखा है, ये मेरी यहाँ तक क्वांटिटी हो चुकी है इस टाइम, ठीक है, क्योंकि 8-9 ड्रॉप बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं जो आपके जल्दी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों के लिए भी यूज़ किया है। छोटी बेटी के तो बिल्कुल ही जो है फोरहेड आगे से बिल्कुल खाली और बहुत थिन से जो है ना हेयर्स हैं उसके, और प्रॉपर उस पर मैं यूज़ कर रही हूँ, ज़ाहिर है आपको आहिस्ता आहिस्ता फ़र्क फील होता है और है। और ये क्योंकि आप ये नहीं कि मैं सिर्फ कहूँ जी मैंने बस ये एक यूज़ कर लिया और ख़त्म है, ये मुझे लेना पड़ेगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा, एक चीज़ को आप प्रॉपर टाइम देते हो, ठीक है। और ये मैं यूज़ किया है, और ये हो गया हेयर के अकॉर्डिंग, ये लेने वाली चीज़ है, मस्ट, इनका हॉट सेलिंग जो है प्रोडक्ट है इस टाइम, ठीक है। और इन्होंने अपना जो टॉनिक है वो भी निकाला हुआ है, इनका प्योर ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल भी है, आप उसके साथ डील चेक करो इसकी। अच्छा, सेकंड वन पे हम बात कर लेते हैं इनके इनके हीट प्रोटेक्टिंग सीरम की, ठीक है। ये है इस तरह की बॉटल, सब कुछ मैंने आपको दिखाया था। और यूवी जो है रे से हमें प्रोटेक्ट करता है डेली, और इसमें है सनस्क्रीन SPF 40, ठीक है, और ये एडवांस है UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, ठीक है। सनस्क्रीन और सनब्लॉक दोनों में बहुत फ़र्क होता है, मैंने जो रिसर्च इसके बाद की वो मैं आपके साथ, जो मेरे और सनब्लॉक्स हैं, एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये बता देती हूँ कि जब हम एजिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो हमें सनब्लॉक की जगह सनस्क्रीन की तरफ आना चाहिए। ये बिल्कुल ग्लास बॉटल ही है, छोटी सी ये, इतनी सी ये है, और ये इसका ऐसे पंप है, इसकी एप्लीकेशन मैंने की थी, ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है, मुझे तो वाटर रेजिस्टेंस टाइप लगा था। और ये देखिए, मैं आपको दिखाते दिखाते ये फौरन, बहुत कोई वाइट कास्ट इसकी नहीं है, बहुत अच्छे से क्योंकि ऑर्गेनिक है और स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा, इस ये है हमारे पास 15 ml, और इसमें उन्होंने भी बताया कि जो एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं, जिनको थोड़ी बहुत चीज़ें भी रिएक्शन अप्लाई होने लग पड़ता है, अगर आपको 1-2 अप्लाई से हो तो काइंडली इसको स्टॉप कर दें, ठीक है। अदरवाइज आपने घर में है, आउटडोर है, इंडोर है, आपने सनब्लॉक अप्लाई करना ही करना है। और ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि जी भाई लो ज़रूरत क्या इन चीज़ों की, लेकिन जब आप 15+ या 20+, मोस्टली कुछ ब्लॉगर्स कह देती हैं, मैंने सुना है कि उन्होंने कहा 12+ से हों बच्चियाँ तो सनब्लॉक यूज़ करें, लेकिन जो एक्नी प्रॉन का इशू होता है उनको केयर करनी चाहिए। क्योंकि इसमें मैं मेक श्योर नहीं हूँ, मैं अभी सर्च कर रही हूँ, कुछ वीडियोस देख रही हूँ, कुछ गूगल पे सर्च कर रही हूँ कि एक्नी प्रॉन स्किन के लिए जो सनब्लॉक है वो हमने किस टाइम से टीनेज की गर्ल्स को प्रॉपर शुरू कर सकती हैं, क्योंकि कुछ कहते हैं जब आप 20+ हो जाएं तो सनब्लॉक लाजमी लगाएं, आई सीरम ज़रूर लगाएं। तो ये ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा है। और इसमें जो SPF 40 है, कोशिश क्या करें कि अगर आप लोकल मार्केट या किसी स्टोर से, मॉल से ले रहे हैं, तो अबव जो 30 होता है ना वो लिया करें, वो ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है, हमारी स्किन के लिए। लेकिन जो ये SPF 40, 50, 60 ये क्या है, इसके बारे में करेंगे एक सेपरेट वीडियो। ओवरऑल ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, मैंने ऐसे ही रखा हुआ था अपनी वैनिटी के ऊपर बॉक्स के साथ ही, क्योंकि इसमें सब कुछ है इंग्रेडिएंट्स वगैरह, लेकिन मैंने अभी इसको संभाला हुआ था, ऐसे ही चलें, इसको करते हैं इधर। अब बात कर लेते हैं अपने इस ऑरेंज पाउडर की, ठीक है, ऑर्गेनिक है, इसको आप जब ओपन करते हैं, मैंने आपको आई होप सो दिखाया हुआ है, क्योंकि अब जो पहले रिव्यू मैं आपको अनबॉक्सिंग का दिखा चुकी हूँ, मैं फिर दिखा देती हूँ। इसमें से मैंने बहुत थोड़ा मिक्सअप भी यूज़ किया है, एक
अपना आप किसी मतलब स्पा टाइप के साथ, और इसको सेपरेट भी यूज़ करके देखा है, फेस वॉश में भी, वाटर में भी, ठीक है। बिल्कुल आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे ऑरेंज ही आपने कहते ना कि ऑरेंज को आप जैसे ओपन खोलें खाने के लिए या उसको कट करें तो बड़ी उसकी जो है एक स्पेसिफिक सी स्मेल स्वीट सी बंदे को लगती है, सेम वो चीज़ है। इस पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा हुआ इनके बॉक्स पे, ये लिड जो है, ठहरे मैं इसको बंद कर लूँ वरना सारा पाउडर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस पर जस्ट इन्होंने क्या किया हुआ है, इस पर इन्होंने 150 ग्राम मेंशन किया हुआ है, नेचुरल एक्सट्रैक्ट ऑब्वियसली 100% प्योर, अपना लोगो, पाउडर, और यहाँ पे भी जस्ट बस ये, और इस पर नथिंग कुछ भी नहीं है। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक निशू खान की वीडियो देखी थी वो निकाली, फिर मैंने इसका एक्स्ट्रा निकाला कि ऑरेंज पाउडर, एक पंसारी है उनका भी आप देख सकते हो, और मुख्तलिफ अब मैंने ज़्यादा देखा है कि ब्रांड्स ये स्क्रबिंग है या ये स्किन पॉलिशिंग है वो ये पाउडर फॉर्म में ला रहे हैं सारे, ठीक है। और इस ये आपके स्किन पे बड़ा मज़े का इफ़ेक्ट करता है, और मैं इंशाल्लाह एक DIY करने लगी हूँ, आपके साथ शेयर करूँगी। ऑरेंजेस का अब मौसम है, वेदर चेंज हो रहा है, विंटर आ चुका है, तो उसमें हम ऑर्गेनिक पाउडर घर कैसे बना सकते हैं और वो अच्छी खासी आपकी क्वांटिटी बन जाएगी। और जो चाहते हैं ये भी आप ये देख लें, जितना ये जा रहा है ये जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, लेकिन कोशिश क्या करें कि इनको वाटर से जो है ना थोड़ा सा अवॉइड रखा करें, क्योंकि आपके हाथ भी जो हैं वो गीले ना हों ताकि आपका पूरा ये खराब। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ वन पे, ये था ग्रीन क्ले ऑयल कंट्रोल मास्क। बहुत धूम मची हुई थी नेट पे, क्योंकि आजकल वो जो स्टिक दिखा रहे थे कि जी वो लगाएंगे और यकदम आपकी स्किन साफ, और ऊपर वो सीड से कौन से हैं वो लगाने शुरू किए हुए थे, तो इनका बहुत ज़्यादा धूम मची हुई थी कि ये प्रॉपर यूज़ करने से आपके जो है ऑयल को और एक्नी स्कार्स को कंट्रोल करेगा। प्रॉपर कंट्रोल यूज़ का मतलब ये होता है कि कम अज़ कम वीक में 2 to 3 times जिनके एक्सट्रीम समर्स में ऑयली स्किन होती है, लेकिन जिनको विंटर्स में भी कईयों को टी जोन एरिया उनका ऑयली होता है, उनको ऑयल आता है, जिनकी नॉर्मल टू ऑयली की तरफ जाती है, वो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई हार्मफुल, इसमें स्पेसिफिक जो है वो टी ट्री है हमारे पास है, नैरोली ईओ, वाइटामिन B3, जिंक, और इसमें इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये हमारे ऑयल को कंट्रोल करेगा, ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, और आल्सो ट्रीट ऑयली स्किन, ठीक है, एक्नी कंट्रोल, और ऑयली स्किन को हमारे जो ये आहिस्ता आहिस्ता ऑयल हो के हमारे पोर्स, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। और ये मैं खुद भी यूज़ किया और अपनी बेटी को भी करवाया, और ये देखें ये तकरीबन ये थोड़ा ज़्यादा ही था, मैंने दूसरा मंगवाया, आई नो मुझे उसमें क्वांटिटी क्यों कम लगी, ये इतना हो चुका है, क्योंकि अब मौसम चेंज है, तो ये मैं वीक में 1 time या आफ्टर 8 days मतलब 9 to 10 days के अंदर अंदर 1 time बस यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये मैं ऑलमोस्ट 3 to 4 times यूज़ कर चुकी हूँ, और ये इसका बॉक्स है, बॉक्स पे भी सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं, ओपन पोर्स, ऑयली स्किन, एक्नी बम्प्स, जो आपके छोटे छोटे एक्नी के बम्प्स बनने लग पड़ते हैं स्किन पर, बहुत बुरे लगते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये बहुत ज़्यादा उस स्टिक के बाद जो है ना एक यूट्यूब पे, इंस्टा पे बहुत जो है हाइप पे कही हुई थी कि सारे ब्लॉगर इसको बहुत प्रमोट कर रहे थे कि वो उस स्टिक से बेहतर है, कि जैसे निशू खान, नताशा वकास और मैना स्टूडियो हैं इंस्टा पे, वो मतलब काफ़ी ब्लॉगर हैं, मरियम परवेज़ हैं, कि सब ने कि उसकी बजाय अगर हम ये अपना, और सबसे पहली बात कि हमारा पाकिस्तानी ब्रांड है और समर स्पेशल है, ऊपर मेंशन है कि समर का तो दी बेस्ट है ना, दी बेस्ट है, ठीक हो गया। और इसके साथ कॉम्बिनेशन मैंने मंगवाया था क्योंकि वेदर तब थोड़ा मतलब लास्ट डेज चल रहे थे समर्स के, तो ये मैंने साथ मंगवाया था, इसके मेरे खुद स्किन पे कुछ एक्नी के जो है वो स्पॉट्स वगैरह रह रहे थे बनने, तो मैंने उसके लिए ये यहाँ तक था, ये यहाँ तक आया, मैं लेकिन इसको पूरे फेस पे अप्लाई नहीं किया, ठीक है। इसमें जो है आर्गन ऑयल, होबा ऑयल, ईवी कोकोनट ऑयल, टी ट्री एसेंशियल्स ऑयल, और रोजमेरी एक्सट्रैक्ट, और इनका ये आप देख सकते हो, ये मैं इसकी स्मेल थोड़ी सी मुझे स्ट्रॉन्ग लगी, आई थिंक सो इसमें टी ट्री है, क्योंकि टी ट्री की एक स्पेसिफिक सी स्मेल होती है बिल्कुल, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा नहीं है। और मैं जस्ट इसको जैसे अगर बिलफर्ज मेरे ये है पिम्पल, मैं इस पर इस तरह करती थी और जस्ट उसको उसी से लेके मैंने दूसरे पे हल्का हल्का करके उनको वहीं एब्जॉर्ब कर देना, मतलब मैं इसको फुल फेस पे नहीं लगाती थी। अच्छा, मैं इसके कैप्शन भी आपको पढ़ के सुना देती हूँ। दिस सीरम हैज़ एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, इट विल बी हेल्प्स टू रिमूव एक्नी स्कार्स एंड एक्नी एंड एक्नी स्कार्स, यूज इट एंड नाइट आफ्टर क्लीन योर स्किन।
गाइस आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं, सीरम यूज़ कर रहे हैं, अपना एक्नी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अपनी ऑयली स्किन के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप ब्राइटनिंग का ट्रीटमेंट कुछ भी है, सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन किया करें, क्लीन वॉश करना, उसके बाद टोनर या मिस्ट अप्लाई करना, उसके बाद कोई भी स्टेप बाय स्टेप आप काम किया करें। और ये नहीं है कि मैंने अगर डे टाइम में मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ तो मैं फटाफट फेस वॉश किया, साथ ही मिस्ट लगाया, फिर मैं ये लगा लूँगी, फिर मैं ये लगा लूँगी, फिर मैं और कोई मॉइस्चराइजर। एक चीज़ को एब्जॉर्ब होने का टाइम दें, क्योंकि आप ये देखें ये ऑयल बेस्ड है, ये सीरम ऑयल बेस्ड है, इसको आपकी स्किन में पेनिट्रेट होने के लिए टाइम चाहिए, मैक्सिमम 2 to 3 minutes या 1 to 2 minutes आप उसको टाइम दें, ठीक है। इसके प्रॉपर उन्होंने दी हुई है, और ये आप इसको अच्छे से ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली एक्नी होती ही हमारी स्किन पे ऑयल की वजह से है, ठीक हो गया। ओके जी, ओवरऑल मेरी तरफ से ये सारी की सारी चीज़ें हाईली रिकमेंडेड हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेकिन ये फर्स्ट पे दो आ जाती हैं, इसलिए मैं किसी को भी नंबरिंग नहीं दूंगी। ये ओवरऑल सारी चीज़ें यूज़ करने वाली हैं, और अगर आप इसका DIY मतलब होममेड, इतने ऑरेंजेस हम वैसे बच्चों को इतने पसंद होते हैं, जूस आप बनाते हो, आप इसको एक बार बना लो, मेरा नहीं ख्याल कि फिर आपको किसी भी पेज से भी बाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो ज़रा मेरे जैसे हैं, जो DIY से थोड़ी सी भाग दौड़ी करते हैं, तो वो ये लेके अपना गुजारा कर सकते हैं, तो समर्स में भी आप अच्छे से अपना ये यूज़ कर सकते हो। ओके, आपने मुझे बताना है कि आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा, आपको कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी लगी, और पिछले दिनों मैं ऑर्डर हालांकि अगेन कर चुकी थी, उसके बाद इन्होंने कुछ ऑफ लगाया था, जिसके साथ वो सीरम अपना फ्रेग्रेंस और कैंडल्स इनके साथ फ्री दे रहे थे, लेकिन मैं वो डील अवेल नहीं कर सकी, उसका मुझे बेहद दुख है। ओके, अब ये तो हैं चीज़ें, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि ये मैंने यूज़ कर लिया मैं दोबारा नहीं लूँगी। ये सब चीज़ें आप प्रॉपर यूज़ करेंगे, अपनी स्किन केयर में ऐड रखेंगे, तो आपका जो है एक सर्कल सही चलता रहेगा। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और आप कह रहे हैं स्किन ब्राइटन अप हो, बड़ी शाइनी करे, ग्लो करे, सब पूछें, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हाईली रिकमेंडेड है, जो मुख्तलिफ तरह के सनब्लॉक यूज़ कर चुके हैं और वो कहते हैं हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। ओके जी, रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल, रखें मुझे रखें अपनी दुआओं में याद, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और अपने अच्छा से कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि छोटी छोटी स्पोर्ट्स होती हैं जो हमें अगर एफर्ट नहीं लगती हमें करनी चाहिए दूसरों के लिए। और मेरी भी बहुत सी ब्लॉगर्स फेवरेट हैं, मैं उनको देखती भी हूँ, लाइक्स भी करती हूँ उनकी वीडियो, और आप भी थोड़ी सी एफर्ट कर लेंगे तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। चले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखें बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।